एक बार एक गांव में एक साधु रहता था और वह भगवान में बहुत मानता था। वह लगातार एक पेड़ के नीचे बैठकर भगवान की तपस्या करता था। गांव के सभी लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे। तभी एक बार उस गांव में बहुत तेज बाढ़ आ गई, हर तरफ पानी भर गया। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। तभी सभी लोगों ने देखा कि उस साधु अभी भी पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या कर रहा है। तभी एक आदमी उसके पास आया और कहा और उन्हें सलाह दिया कि यह जगह छोड़ दे और भाग चले। तभी साधु महाराज ने कहा कि तुम सभी लोग अपनी जान बचाओ, मुझे तो मेरा भगवान बचाएगा। पानी का जो लेवल था वह धीरे धीरे ऊपर ही बढ़ने लगा, लेकिन साधु अपनी जगह से हिला तक नहीं। फिर कुछ देर बाद पानी साधु के कमर तक आ गया। तभी साधु के पास एक नाव आई और नाव में बैठे आदमी ने उन्हें नाव में आने के लिए कहा। फिर साधु ने यही कहा, तुम जाओ, मुझे तो मेरा भगवान बचाएगा। पानी का जो लेवल था वह बढ़ता ही जा रहा था। तभी साधु एक पेड़ पर चढ़ गए और वहां पर एक आखिरी हेलीकॉप्टर आया और हेलीकॉप्टर में बैठे आदमी ने उन साधु से कहा कि आप ऊपर आ जाओ और यहां से चलो। लेकिन साधु ने फिर कहा, तुम जाओ, मुझे तो मेरा ईश्वर बचा लेगा। फिर कुछ देर बाद पानी का जो लेवल था वो और बढ़ गया और साधु की मौत हो गई। और जब मौत के बाद साधु महाराज स्वर्ग पहुंचे तो उन्होंने भगवान से पूछा, मैंने आपकी इतनी तपस्या की, इतनी भक्ति की, लेकिन आपने हमें क्यों नहीं बचाया, आपने ऐसा क्यों किया? तभी भगवान ने कहा, अरे मूर्ख, मैंने तो तुझे 3 बार बचाने आया था, एक बार पैदल चलकर, एक बार नाव में और एक बार हेलीकॉप्टर में, लेकिन तू मुझे पहचान ही नहीं पाया। तेरे पास 3 मौके थे अपनी जिंदगी को बचाने के लिए और वो 3ों मौके हाथ से गवा दिए। उस साधु की तरह हम सबकी जिंदगी में कई सारे मौके मिलते हैं, लेकिन हम सही टाइम पर सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं। और यदि एक बार कोई मौका हाथ से चला गया तो उसके बाद पछताने के सिवा हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता। तो आज के बाद आपके जिंदगी में जितने भी मौके आएंगे, हर मौके को अपनाओ, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन सा मौका, कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आपकी जिंदगी बदल दे और कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आप मिस कर दो, जिसकी वजह से आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाए। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो शेयर करना ना भूले और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मैं आपसे फिर मिलूंगा अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। ऐसा कोई दिन नहीं जब मैंने उगते हुए सूरज को ना देखा हो। ये जो लाइन है, ये लाइन है मिस्टर सचिन तेंदुलकर जी का। वह पर डे 6 बजे उठ जाते हैं और 500 बॉल को फेस करने के बाद ही अपने जीवन की शुरुआत करते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री सुबह 4 बजे उठ जाते हैं। एप्पल कंपनी के CEO 4 बजे उठ जाते हैं। द रॉक 3:30 पर उठ जाते हैं। अक्षय कुमार सुबह 4 बजे उठ जाते हैं। कई लोगों का मानना है 6 घंटे की नींद जरूरी होता है, तो कई लोगों का मानना है कि 7 घंटे की नींद जरूरी होता है। और कई ऐसे लोग भी हैं जिन्हें लगता है कि 8 घंटे की नींद जरूरी होता है। इलोन मस्क 6 घंटे नींद लेते हैं और उनसे ज्यादा प्रोडक्टिव इंसान मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। वह रात को 1 या 2 बजे सोते हैं और सुबह 6 बजे उठ जाते हैं। ये जितने भी लोग हैं वह रोज मॉर्निंग रूटीन को फॉलो करते हैं। मैंने कई सारे लोगों को कहते सुना है कि मेरे पास टाइम नहीं है। मैं कहता हूँ, आप सुबह उठ के तो देखो, आपके पास टाइम ही टाइम है। मैं आपको स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करता हूँ कि आप सुबह किसी भी काम को 2 घंटे दीजिए, वो दोपहर के 4 घंटे के बराबर होगा। आप सुबह के उस टाइम को गवा देते हैं जब आधी से ज्यादा दुनिया सो चुकी होती है। अगर आप उस टाइम पर उठ जाते हैं जिस टाइम पर आधी से ज्यादा दुनिया सो चुकी होती है, तो आप आधी से ज्यादा दुनिया से तो पहले ही बाहर आ गए। मान लो अगर अभी तक आप 7 बजे उठते आ रहे हो और अब 4 बजे उठना शुरू कर दो, तो आप ऐसा करके 1 साल 2 महीने और 25 दिन बचा लोगे, यानी आप हर दिन 3 घंटे बचा लोगे। आपके पास कोई ऐसा सपना तो जरूर होना चाहिए जो आपको सुबह उठने पर मजबूर कर दे। मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट जारी किया था ये जानने के लिए कि आप सुबह कितने बजे उठते हैं, जिसमें आधे से ज्यादा लोग 6 बजे को चूज किया और बाकी का ग्राफ आपके सामने है। अगर आधी से ज्यादा दुनिया 6 बजे उठती है तो आपको इन लोगों को हराने के लिए और करोड़ों की भीड़ से बाहर निकलने के लिए 6 बजे से पहले उठना होगा। मैं आपको इस वीडियो में कितना ही तरीका बता दूं सुबह उठने के लिए, लेकिन सब बेकार है। आप उसे 4 दिन फॉलो करोगे और फिर 5वें दिन कहोगे, ओह शिट, मजा नहीं आ रहा सुबह उठने में। और ऐसे भी मैंने सुबह उठकर कर ही क्या लिया। और फिर आप
उसी टाइम पर उठोगे जिस टाइम पर आप उठते आ रहे हो। कोई ऐसा सॉल्यूशन ढूंढो जो आपको न चाहते हुए भी सुबह उठने पर मजबूर कर दे। एक बात हमेशा याद रखना, अगर आप वो करोगे जो आपके लिए आसान है तो आपकी लाइफ मुश्किल हो जाएगी, लेकिन अगर आप वो करोगे जो आपके लिए मुश्किल है तो आपकी लाइफ आसान हो जाएगी। अरे कम सोने से मर थोड़ी न जाओगे, जिंदा ही रहोगे। सुबह उठकर कितना कुछ है करने को, लेकिन आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़ने को तैयार ही नहीं। आप सुबह उठकर दौड़ लगाने जा सकते हो। अगर आप बाहर दौड़ लगाने नहीं जा सकते हो तो घर पर एक्सरसाइज कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो और अपने सपनों पर काम करो, जिससे आप दो चार दिन नहीं बल्कि हमेशा सुबह उठ सको। अगर आप अपने आप को समय दोगे तो आने वाले समय में आपका समय लेने के लोग तरस जाएंगे। हर खुशी को खुशी मत समझो, हर गम को गम मत समझो। अगर कामयाब होना है तुझे तो खुद को किसी से कम मत समझो। अरे कुछ नहीं कर पाएगा अगर इस तरह से डरेगा। ये दुनिया एक दिन तेरी मुट्ठी में होगी जब तू खुद पर विश्वास करेगा। ना कामयाबियों की डाल पर तू क्यों बार बार झूलता है, क्यों अपने ही सपनों को बार बार भूलता है। जान है तब तक जागते रहो, जब तक सपने ना मिले भागते रहो। हाँ बनूंगा कामयाब, मन में ये विश्वास है। अब आलस से दूर हो, बस जीतने की प्यास है। जिंदगी में समस्याएं तो रोज नई खड़ी है, लेकिन सिर्फ जीतते वही हैं जिनके सोच बड़ी है। ये मंजिलें भी बड़ी जिद्दी होती हैं, हासिल कहाँ नसीब से होती है, पर तूफान भी वहाँ हार मान जाते हैं जहाँ कश्तियाँ जिद पर अड़ी होती है। जो लोग खुद से ज्यादा दूसरों की फिक्र करते हैं, अक्सर उन्हीं की फिक्र करने वाला कोई नहीं होता। हर समस्या का हल केवल तुम्हारे ही पास है, दूसरों के पास तो सिर्फ सुझाव है। अगर लोग तुम्हें पागल कहने लगे तो समझ जाओ कि तुम ही हो जो कुछ कर रहे हो। चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, हमेशा इतनी बदल जाओ कि दुख भी सोचे कि ये मैं कहाँ आ गया। आंधियां तुझको हिला ना सके, बारिश भी तुझको भिगा ना सके, आग भी तुझको जला ना सके। अरे मेरे भाई ऐसा बन के तो दिखा तुझे हार भी हरा ना सके। अक्ल बादाम खाने से नहीं, अकल हमेशा धक्के खाने से आती है। मुसीबतों से ही तो निखरती है शख्सियत यारो। जो चट्टान से न टकराए वो झरना किस काम का। जो इंसान तुझे देते हैं ताने, कल वही आएंगे तुझसे हाथ मिलाने। अरे माना कि मुश्किल भारी है, फिर तुझ में क्या लाचारी है। ये हार नहीं है बाहर, अंदर से हिम्मत हारी है। सब उठ रहे यहाँ गिर गिर कर, ना उठ तू यूं ही लेटा, सब जाग रहे तू सोता रह। जो दूर है माना मिला नहीं, जो पास है उसे भी तू खोता रह, सब जाग रहे तू सोता रह। काबिल लोग ना तो किसी से दबते हैं और ना ही किसी को दबाते हैं। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। अरे जब तक चोट ना पड़े पत्थर पर, पत्थर भी लोगों के लिए भगवान नहीं होता। हर रोज गिर कर मुकम्मल खड़ा है, ऐ जिंदगी देख मैं तुझसे कितना बड़ा हूँ। अगर तुम भी ये सोचते हो कि मेरी तो किस्मत खराब है, तो याद रखना कि तुम्हारी किस्मत नहीं, तुम्हारा दिमाग खराब है। जो ये सोचता है कि हमारी किस्मत खराब है, ये बताओ कि क्या तुम्हें आज खाने के लिए खाना नहीं मिला, क्या तुम्हें रहने के लिए घर नहीं मिला, क्या तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करने वाले माँ बाप नहीं मिले, और सबसे बड़ी बात कि आज तुम सांस ले पा रहे हो। वही दुनिया में तुम्हारी उम्र के न जाने कितने इंसान मर चुके हैं। क्या इन चारों पॉइंट्स में से एक भी ऐसी चीज है जो तुम्हारे पास ना हो। और बात रही जिंदगी में नाम पैसा इज्जत कमाने की, तो कोई इंसान कितना भी पैसा कितना ही नाम कमा ले, एंड में जाकर कुछ न कुछ कम पर ही जाएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो शेयर करना ना भूले। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। शाइनिंग ऑफ सुजीत सावरे। आपकी मेहनत ही आपकी पहचान है, वरना एक ही नाम के तो लाखों इंसान हैं। चार लोग एक ही दिशा में तभी चलते हैं जब पांचवा कंधे पर हो। पूरी जिंदगी हम इसी बात में गुजार देते हैं कि चार लोग क्या कहेंगे, और अंत में चार लोग बस यही कहते हैं, राम नाम सत्य है। एक उम्र के बाद उस उम्र की बातें उम्र भर याद आती है, पर वह उम्र फिर उम्र भर वापिस नहीं आती। जो पानी से नहाएगा वह लिबाज बदलेगा, लेकिन जो पसीने से नहाएगा वह इतिहास बदलेगा। धूप का नाम तो ऐसे ही बदनाम है, वरना लोग जलते तो एक दूसरे से भी कम नहीं। पता नहीं वह बचपन की अमीरी कहाँ चली गई, जब हमारे भी पानी में जहाज चला करते थे। आपके पास कोई ऐसा सपना तो जरूर होना चाहिए जो आपको सुबह उठने पर मजबूर कर दे। किसी को अपना बनाना हो तो दिल से बनाओ, जुबा से नहीं, क्योंकि सुई में वही धागा प्रवेश कर सकता है जिसमें कोई गांठ ना हो। जिंदगी में तूफान का आना भी जरूरी है, तभी तो पता चलता है कि कौन साथ देता है और कौन साथ छोड़ देता है। लगती है जिनके दिलों पे चोट,
वो आँखों से नहीं रोते, जो अपनों के नहीं हो सके वह किसी और के नहीं होते। अपनी जिंदगी में कभी भी किसी को इतना हक मत दो कि वो तय करे कि आपको कब हंसना है और कब रोना है। एक चेहरे की तलाश में आप दुनिया वालों से खफा होंगे, जब वह चेहरा आपके साथ होगा तब आप सारी दुनिया से दफा होंगे। दोस्तों, किसी ने खूब कहा था, जब किताबें सड़क किनारे बिकेगी और जूते कांच के शोरूम में, तब समझ लेना कि इंसानों को ज्ञान की नहीं बल्कि जूतों की जरूरत है। कांटे और चाकू का नाम तो बेवजह ही बदनाम है, वरना चुभती तो निगाहें भी है और काटती तो जुबान भी है। पा लेने की बेचैनी और खो देने का डर, बस इतना सा ही तो है जिंदगी का सफर। हालात चाहे कैसे भी हो, बस डटे रहे, क्योंकि सही समय आने पर खट्टी कैरी भी मीठे आम में बदल जाते हैं। पहले लोगों ने सिखाया कि वक्त बदल जाता है, अब वक्त ने सिखाया कि लोग बदल जाते हैं। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। जिंदगी में वही आगे बढ़ते हैं जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। आगे बढ़ना हो तो बहरे बन जाओ, क्योंकि कुछ लोगों को छोड़कर बाकी सब मनोबल गिराने वाले ही होते हैं। इंसान सफल होना तब शुरू करता है जब वह दूसरों को नहीं बल्कि खुद को बदलना शुरू करता है। तो लग जाइए खुद को बदलने में। जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो में कही गई हर एक बात में दम है, हो सकता है कोई सी भी लाइन आपकी जिंदगी बदल दे। इंतजार करते रहो सही समय आने का, करते रहो तो कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि सही समय आता नहीं है, सही समय अपने दम पर लाना पड़ता है। समय के पास इतना समय नहीं कि वो आपको दोबारा से समय दे सके। जिसको जो कहना है कहने दो, ये तो वक्त वक्त की बात है और वक्त सबका आता है। जीतने के लिए जिद भी होना पड़ता है, हारने के लिए तो डर ही काफी है। इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं, हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वो सब कुछ सोच सकते हैं जो हमने आज तक नहीं सोचा। आगे बढ़ना हो तो बहरे बन जाओ, क्योंकि कुछ लोगों को छोड़कर बाकी सब मनोबल गिराने वाले ही होते हैं। सफलता सुबह की जैसी होती है, मांगने से नहीं बल्कि जागने से मिलती है। अगर आज भी आपने वही किया जो कल तक आप करते आए थे, तो आज भी आपको इतना ही मिलेगा जितना कि कल तक आपको मिलता आया है। हालात ऐसे मत रखो जो कि अपने सपने बदल दे, बल्कि अपने सपनों को ऐसा रखो जो कि हालात बदल दे। समस्या को समस्या समझना इंसान की सबसे बड़ी समस्या है। कोई भी लक्ष्य इंसान की हिम्मत से भरा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। अब तुम हर बहाना, अब तुम किनारा कर दो और बस इसे याद रखो, मैं कर सकता हूँ। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन ठान लो तो एक दिन जरूर मिलती है। आपके अंदर दुनिया जीतने की काबिलियत है अगर आप में खुद को पहचानने की हैसियत है। सफलता सुबह के जैसी होती है, मांगने से नहीं मिलती बल्कि जागने से मिलती है। अक्ल कभी बादाम खाने से नहीं बल्कि धक्के खाने से आती है। भगवान के भरोसे मत बैठो, क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठे हो। मुझे नहीं पता कि मेरी लाइफ की स्टोरी क्या होगी, लेकिन कभी उसमें ये नहीं लिखी होगी कि मैंने हार मान ली। लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरे कहती है मारा जाएगा, हौसले कहती है देख लेंगे। मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, और हम कोशिश भी ना करें ये तो बहुत गलत बात है। सितम चाहे कितना भी कर ले, ये वक्त नहीं हरा पाएगा। अभी टूटा मेरा गुरूर है, हौसला तोड़ते तोड़ते तू खुद टूट जाएगा। अगर यह वीडियो तुम्हारे अंदर जरा सी भी आग लगाई है, तो अपने थॉट्स को कमेंट बॉक्स में लिख के ही जाना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। ताकत ना कहने की, हिम्मत ना कहने की, साहस ना कहने का, बहुत कम लोगों में होती है ना कहने की ताकत। कोई जरूरत नहीं हर इंसान को हाँ कहने की। अगर तुम्हें लगता है कि ये मेरे लिए सही नहीं है और अंदर से आ रहा है कि इसे ना कहना चाहिए, तो तुरंत उसे ना कहो, फिर चाहे वो कोई चीज हो या फिर कोई इंसान। फॉर एग्जाम्पल, आप अपना इम्पोर्टेंट काम कर रहे हो और आपका फ्रेंड आपको एंजॉयमेंट के लिए बुला रहा है, और कहीं ये सोच कर कि कहीं उसको बुरा न लग जाए आप उसके साथ जाते हो। अगर आपके अंदर से आ रहा है कि उसे ना कहना चाहिए, तो तुरंत उसे ना कहो। अगर वो आपका फ्रेंड होगा तो वो तो समझ जाएगा, अगर नहीं समझा तो वो आपका फ्रेंड होगा ही नहीं। लुक एट एनी सक्सेसफुल लीडर इन दिस वर्ल्ड, उन्होंने ना कहा कंफर्ट जोन को, उन्होंने ना कहा अपने फ्रेंड को, उन्होंने ना कहा उन सारे फालतू के कामों को जिनका उनके गोल से कोई कनेक्शन था ही नहीं। उनके अंदर हिम्मत थी, उनके अंदर ताकत थी, उनकी विल पावर इतनी ज्यादा थी कि उन्होंने हर उस काम को ना कहा जिनका उनके गोल से कोई कनेक्शन था ही नहीं।
ना मतलब ना, अगर हर इंसान को खुश करने के लिए उनको हाँ कहते रहोगे तो हम खुद को खुश कब करेंगे। गेम्स खेलने का मन कर रहा है उसे ना कहो। अपने कामों को छोड़कर इंस्टाग्राम चलाने का मन कर रहा है उसे ना कहो। इंटरेस्टिंग वीडियो देखने का मन कर रहा है उसे ना कहो। हाँ कहो अपने पैशन को, हाँ कहो हार्डवर्क को, हाँ कहो अपने सपनों को, हाँ कहो अच्छी आदतों को, हाँ कहो हर उस चीज को जो आपको अंदर से मजबूत बनाती है, और ना कहो हर उस चीज को जो आपको अंदर से कमजोर बना रही है। अगर लोगों को ना कहना है तो डरो मत। अगर अपने सपनों को हासिल करना है तो ना कहना पड़ेगा। और लोग कौन होते हैं आपके रूल्स बिगाड़ने वाले। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप हर इंसान को ना कह के अपनी रिलेशनशिप खराब कर लो। थोड़ी अपनी बुद्धि का भी इस्तेमाल करो। आपके अंदर से आपको लगना चाहिए कि हमें किसे हाँ कहना है और किसे ना कहना है, किसके कॉल का रिप्लाई देना है और किसके कॉल का रिप्लाई नहीं देना है। दोस्तों आज के समय में मोबाइल फोन अमर है, हम चाहकर भी इसका इस्तेमाल करना नहीं छोड़ सकते, लेकिन इसका इस्तेमाल करना कम जरूर कर सकते हैं। आप सबसे पहले अपने मोबाइल का नोटिफिकेशन ऑफ कर दें और फालतू के सारे एप्लीकेशन को डिलीट कर दो, और खुद का एक लक्ष्य बनाए और उसी पर काम करें और अपना सारा फोकस उस गोल पर रखो। लाइफ में हमेशा एक बात याद रखना कि लाइफ में आपका दो ही चीज सच्चा साथ देगी, वो है आपका पैसा और सेकेंड है आपका फैमिली। आपके फैमिली से ज्यादा प्यार इस दुनिया में आपको कोई नहीं कर सकती। और अगर आपके पास पैसा है तो लोग पूछेंगे कि भाई तू कैसा है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो और अभी तक बने हुए हो इस वीडियो के साथ में, तो इतना तो पक्का है कि अभी आप उस एज में हो जिस एज में कुछ करने की बारी आती है। वो एज जो आपकी पूरी लाइफ डिसाइड करती है कि आप क्या बनने वाले हो, और उसी एज में एक डिसीजन, एक चॉइस बहुत कुछ बदल सकता है। जिंदगी आपकी है तो डिसीजन भी आप ही को लेना होगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, किन चीजों को हाँ कहना है और किन चीजों को ना कहना है, किन लोगों को हाँ कहना है और किन लोगों को ना कहना है। चॉइस भी आपके हाथ में है और लाइफ भी आपके हाथ में है। जो आज आप चूज करोगे वही आपको आने वाला फ्यूचर में दिख जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो ने आपकी कुछ हेल्प करी होगी। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से किसी इंसान की हेल्प हो सकती है तो शेयर करिए उस इंसान के साथ में। अगर आपको लगता है कि मैं आपको ऐसे ही आगे भी हेल्प करता रहूं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़े। इस चैनल पर ऐसे ही पावरफुल वीडियो आती रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, बल्कि फर्क तो इस बात से पड़ता है कि आप खुद अपने बारे में क्या सोचते हैं। जिस तरह से मरा हुआ इंसान कभी लौटकर वापस नहीं आ सकता, ठीक उसी तरह बीता हुआ टाइम लौटकर कभी नहीं आता। हार तब होती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। इसलिए कहते हैं मन के हारे हार और मन के जीते जीत। मान लिया तो हार और ठान लिया तो जीत। अगर कामयाबी चाहते हो तो खुद पर गौर करो, इस दुनिया को इग्नोर करो और फिर देखना सब तुम पर गौर करेंगे। ए समंदर तुझे गुमान है न अपने ऊंचे कद पर, मुझको देख नन्हा सा परिंदा हूँ फिर भी तेरे ऊपर से गुजर जाता हूँ। चाह तुझ में सूरज सी है, सूरज से पहले तुझे उठना पड़ेगा। चाहता है सूरज सा चमकना तो सूरज सा जलना पड़ेगा। माझी तेरी कश्ती के तलबदार बहुत है, इस पार कुछ मगर उस पार बहुत है। जिस शहर में तूने खोली है शीशे की दुकान, उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत है। ये क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे, दुनिया क्या सोचेगी, इससे ऊपर उठकर तो सोच। जिंदगी सुकून का दूसरा नाम बन जाएगी। माना कि अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है, यही एक सच है, लेकिन बुरे लोगों के साथ और बुरा होता है, ये भी एक सच है। ये दुनिया आपसे नफरत भी करे तो तू डरना मत, क्योंकि जिस पेड़ पर फल लगे होते हैं उसी पे ये दुनिया पत्थर मारती है। मरने के बाद भी जीना चाहते हो तो पढ़ने लायक कुछ लिख जाना या फिर लिखने लायक कुछ छोड़ जाना। अभी कई जीत बाकी है, अभी कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना था, अभी पूरी किताब बाकी है। रोज रोज गिरकर मुकम्मल खड़ा हूँ, ए मुश्किल देख मैं तुझसे कितना बड़ा हूँ। मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात, लेकिन हम कोशिश भी ना करें ये तो बहुत गलत बात है। लोग आपकी बुराई भी करें तो आप अपने लक्ष्य को ना छोड़े, क्योंकि लक्ष्य की प्राप्ति होते ही लोगों के राय बदल जाते हैं। एक बार मान लेते हैं कि किस्मत में लिखे फैसले नहीं बदला करते, लेकिन एक बार आप फैसले लेके तो देखो, क्या पता आपकी किस्मत ही बदल जाए। सक्सेस के लिए यह जरूरी नहीं कि आपकी उम्र क्या है, बल्कि यह जरूरी है कि आप किस उम्र के सोच रखते हैं। माइंडसेट ऐसा ही रखना कि जो मुझे आता है वो मैं कर लूंगा और जो मुझे नहीं आता वो मैं सीख लूंगा। साबुन से नहाने वाले सिर्फ लिबास बदलते हैं, लेकिन जो पसीने से नहाते हैं वो एक दिन इतिहास बदलते हैं।
रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है, कुछ खोकर पाने का मजा ही कुछ और है। जिंदगी में हार और जीत तो लगी रहती है मेरे दोस्त, लेकिन हारने के बाद जीतने का मजा ही कुछ और है। लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। छोटी शान के परिंदे ही ज्यादा फड़फड़ाते हैं, क्योंकि बाज की उड़ान में कभी भी आवाज नहीं होती। जो मंजिलों को पाने की चाहत रखते हैं, वो पानी पर भी पत्थरों के पुल बना देते हैं। जिसने कहा कल दिन गया टल, जिसने कहा परसों बीत गए बरसों, जिसने कहा आज उसी ने किया राज।